नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूँ। बॉलीवुड के लेजेंडरी अभिनेता दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। दिलीप कुमार काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें 29 जून को सांस लेने की तकलीफ होने के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो आईसीयू में भर्ती थे। हालांकि पत्नी सायरा बानो ने हेल्थ अपडेट देते हुए उनकी हालत स्थिर बताई थी, लेकिन अब उनके निधन की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। बता दें, हिंदुजा अस्पताल में सुबह 7:30 बजे दिलीप कुमार ने अपनी आखिरी सांस ली। इस दौरान दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो उनके साथ मौजूद थी। ये खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। भारतीय क्रिकेटर्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रीलंकाई दौरे पर भारतीय टीम के कप्तान और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने ट्वीट किया, दिलीप साहब के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। एक जीनियस एक्टर जिसने भारतीय सिनेमा पर जबरदस्त प्रभाव डाला, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत। दिग्गज भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने लिखा, मोहम्मद यूसुफ उर्फ दिलीप कुमार साहब, वो हिंदी फिल्म उद्योग के 1940 से 1960 के दशक के सुनहरे दौर के अंतिम जीवित सितारों में से एक थे। दिलीप साहब, आपको अनंत शांति मिले। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया, दिलीप कुमार के परिवार के प्रति गहरी संवेदना। महान इंसान ने कहा था, तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने लिखा, ये जानकर दुख हुआ कि दिलीप साहब नहीं रहे, उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना। वो फिल्म उद्योग के महानतम आइकॉन्स में से एक थे और वो अपने काम के जरिए हमेशा जीवित रहेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के भी कई खिलाड़ियों ने दिलीप साहब के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर लिखा, खैबर पख्तूनवा से लेकर मुंबई और दुनिया भर में यूसुफ खान साहब के फैंस के लिए बहुत बड़ी क्षति, वो हमारे दिलों में है। सायरा बानो साहिबा के प्रति गहरी संवेदना। आपको बता दें, इनके अलावा भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान जैसे कई दिग्गजों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें, दिलीप कुमार ने साल 1944 में फिल्म जोहार बाटा से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। इसके बाद वो फिल्म अंदाज, बाबुल, दीदार, आन, दाग, देवदास, आजाद, नया दौर, तराना, मधुमति, कोहिनूर, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम, क्रांति, शक्ति, मसाल और सौदागर जैसी कई बड़ी फिल्मों में दिखाई दिए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।